झांसी के मोठ कोतवाली क्षेत्र के बमहरौली में आज गैंगस्टर एक्ट के द्वारा अवैध रूप से कमाई संपत्ति को भारी पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी के आदेश पर लाखों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के आदेश अनुसार विभिन्न धाराओं के तहत गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत रहीश उर्फ कृष्ण गोपाल की अचल संपत्ति, आपको बता दें, जिसको आज कुर्क कर दिया गया है, जिसको राज्य सरकार के अधीन कुर्क कर दिया गया। वहीं पुलिस द्वारा मुनादी कर लोगों को जानकारी दी गई कि यह जमीन अब सरकार के अधीन है, इस पर कोई भी अपना कार्य ना करे और अगर इस पर कोई भी अपना हक जताता है तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा। के आदेश दिनांक 23/5/2022 के बाद संख्या 3/22 54 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त मृतक अभियुक्त रहीश उर्फ कृष्ण गोपाल की अचल संपत्ति गाटा संख्या 60 रकवा 537.251 हेक्टेयर को राज्य सरकार के अधीन कुर्क कर लिया गया है। इस पर यदि कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार वार्ड संख्या 3/22 के तहत गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत अभियुक्त रईस उर्फ कृष्ण गोपाल की अचल संपत्ति खाता संख्या 60 रकवा 0.251 हेक्टेयर अचल संपत्ति को राज्य सरकार के अधीन कुर्क की जाती है।